नमस्कार दोस्तों, एडवेंचर MLG यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और ये भाई देखो, कुछ गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा हॉर्न वॉर्न की, इसलिए ये देखो लद्दाख में एक अलग ही सीन है। कहीं पर आपको बर्फ़ मिलेगी, कहीं पर आपको मिट्टी वाले पहाड़ मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो एक साथ तीन, ये मिट्टी वाले पहाड़ और रोड देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। इधर देखो कितनी अच्छी रोड है। तो कारगिल से चलने के बाद में हम पहुँचे हैं नमीकाला। अब यहाँ पर पिछले वाला जो बोर्ड है उस पर नमकीला लिखा हुआ था, वैसे सही नाम इसका नामिका ला पास, क्योंकि हर पास में ला लिख मिलेगा आपको लगभग, जो जिला नमकीला उमलिंगला। अब इसका क्या मतलब होता है लद्दाख की भाषा में पता नहीं मुझे। और यहाँ पर इसकी हाइट, यहाँ से जो रास्ते हैं, कहाँ जा रहा है, कितना दूर है, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो आप पोज करके देख सकते हो रास्ते, भाई ऐसा मानो जो जिला से निकलते ही रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। और कारगिल से आगे तो ऐसा लग रहा है जैसे रोड बहुत कुछ दिनों पहले ही बना हो। और यहाँ पर देखो मिट्टी, बर्फ़ और पत्थर, तीनों तरह के पहाड़ हैं भाई। है ये लद्दाख, कर देखो सारा राजस्थान घूमने आया हुआ है। RJ02, RJ02, RJ32, RJ41, RJ52, RJ52 और एक और RJ गई अभी, पूरा रास्ता नहीं आया हुआ है। भाई नमी किला पे पता नहीं हमें संयोग था क्या था, लगभग 10-12 गाड़ी एक साथ राजस्थानी राजस्थान की दिखी। अब चलते हैं सीधे लामायूर। दोस्तों ये है लामायूर विलेज, भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है। आगे हम दिखाएंगे मून लैंड ऑफ इंडिया लामायूर। भाई यहाँ के जो गांव है ना बिल्कुल अद्भुत है, कैमरा आपको जज ही नहीं कर सकता है कि यहाँ पर ही जो सुंदरता है, इसकी जो ब्यूटी है ना, ये कैमरे में नहीं दिखा सकता भाई कोई भी। बहुत ही खूबसूरत, आंखों को बहुत ही सुकून देने वाली जगह है। तो भाई चांद के ऊपर तो पता नहीं गया जाएगा नहीं गया जाएगा, यहीं से चांद देख लेते हैं। चांद ज़्यादा दूर नहीं है, भारत में ही चांद है। और ऐसा बताते हैं कि पूर्णिमा की रात को तो ये बिल्कुल चंद्रमा जैसा दिखता है। बहुत ही अमेजिंग जगह है भाई, बहुत सुंदर भाई, क्या शानदार जगह है यार, सच में ये तो मूनलैंड ऑफ इंडिया है। पर ये कुछ लोग है ना दोस्तों, ये है मूनलैंड, जो चांद जैसी दिखने वाली धरती, कितनी खूबसूरत है ना। तो दोस्तों ये जो मूनलैंड जो जगह है, ये कारगिल और लेह के बीच में लामायूर एक जगह आती है, वहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है, वो अगली क्लिप में दिखाएंगे आपको, क्योंकि अब वीडियो बहुत छोटे छोटे शॉर्ट बना रहा हूँ मैं, उसकी कुछ कारण है। यहाँ से जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना वो है ये, तो वो हम कुछ लेके जा रहे हैं यहाँ से केडी भाई। और ये पहुँच गए दोस्तों हम मैग्नेटिक हिल। और भाई यहाँ भी एक अलग ही कांड हुआ कि मैं गाड़ी में आगे था, बाकी भाई पीछे रह गए। और यहाँ पर रात को 9:30-10 बजे अकेला। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आपने होटल का इनका व्यू देख ही लिया होगा। तो भाई सुबह उठते ही बिल्कुल होटल है, इससे लगभग 600-700 मीटर ये पहाड़ी के ऊपर है शांति स्तूपा। बहुत ही सुंदर जगह है लेह शहर की, ये फेमस जगह में से है, भगवान बुद्धा का स्टेचू या जो भी मंदिर या मोनेस्ट्री क्या बोलते हैं वो है ये जगह। तो जब भी आप यहाँ हो तो इस जगह को ज़रूर देखें, ये यहाँ मिस नहीं करें। एक बार ये चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ आपको यहाँ से घूम के। और यहाँ से हम लेह सिटी का नज़ारा भी दिखाएंगे आपको, बिल्कुल बहुत ऊंचाई पे है, तो यहाँ से लेह सिटी है ना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखती है। कोशिश ये करें कि या तो सुबह जल्दी आए यहाँ पर या फिर शाम के टाइम में आएँ, कोशिश तो यही करें सुबह आएँ। सुबह बहुत कम भीड़ होती है, फिर उसके बाद में क्राउड शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है वो यहाँ पर ज़रूर आता है। अब यहाँ से देखिए आप लेह शहर, बहुत ही प्यारा शहर है, न कोई भीड़ भाड़ न कोई कंजस्टेड, एक मकान है चारों तरफ उसकी जगह है, जैसे ऐसे लग रहा है फार्म हाउस टाइप के, एक जगह ही बहुत सारे फार्म हाउस हों इस तरह से हैं। हालांकि लेह लद्दाख में कश्मीर में ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल समतल एरिया बहुत ही कम मिलता है,
ये ले शहर है, यहाँ पर बहुत सारा समतल एरिया है। और हम देखो यहाँ इस होटल से, होटल हमारा जो है इस शांति स्तूपा से जस्ट थोड़ा सा ही नीचे है। और भाई ये जब लद्दाख सीरीज़ ख़त्म होगी तो उसके बाद में मैं कुछ यहाँ के अनुभव साझा करूँगा आपसे जो आपको बहुत काम आएंगे। तो इस सीरीज़ को देखते रहें और बाद में इस सीरीज़ से भी आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। यदि आप ले जा रहे हैं तो भी, और नहीं जा रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा, और जा रहे हैं तो फिर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोनों ही तरह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सीरीज़ अच्छी लग रही है आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं अच्छी लग रही है तो स्किप कर दीजिए। और नए यूट्यूबर को बार बार, कई बार हर वीडियो में बोलते हैं, हर यूट्यूबर ही बोलता है, बड़ा भी छोटा भी, लेकिन हमारे जैसे थोड़ा सा सपोर्ट करो तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। लद्दाख सीरीज़ के लास्ट वाले वीडियो में थोड़े व्यूज़ भी कम ही आ रहे हैं, हो सकता है एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे बोलने में कोई दिक्कत हो, तो भाई नए यूट्यूबर के साथ में ये सारी समस्याएं होती हैं। और एक लास्ट में एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही और क्या क्या, आप यदि जा रहे हो तो आपके साथ ऐसी दिक्कतें न हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कि आप नज़ारे भी देखते रहिए। और इन वीडियो में कुछ बातें करेंगे बीच बीच में, बाकी एक अलग सी वीडियो तो बनाना है। इधर से मैं दिखाता हूँ, ये पूरा लेह शहर है, ये भसा हुआ तो बहुत दूर में है, 5-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, मुझे नहीं पता इसकी एग्जैक्ट क्षेत्रफल कितना है, पर है बहुत खुला खुला सा। इससे जो अगला वीडियो आएगा ना, यहाँ से हम अगले दिन आसपास लोकल साइट सीन करेंगे, जो पिछले वीडियो में देखा होगा अपने, उस अगले में, उसके बाद में जाएंगे सीधे खारदुंगला। बताते हैं कि वहाँ पर बर्फबारी मिल सकती है। इसके बाद में हम पहुँच गए ले पैलेस। उस समय का ले शहर में सबसे प्राचीन जगहों में से एक है, यहाँ के राजा का महल हुआ करता था। हालांकि अब भारतीय प्राधिकरण, जो भू सर्वेक्षण विभाग है, जो भी है पुरातत्व विभाग, उसने उसके अंडर में है ये। अंदर फोटोग्राफी कई जगह लाए हुए हैं, कहीं नहीं है, मिक्स सा है। अगले किसी वीडियो में छोटे मोटे क्लिप है वो डाल दूंगा, मेरे मोबाइल की मेमोरी संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई आप भी कहोगे कि वीडियो में प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा गिना रहे। ले पैलेस के ऊपर का नज़ारा है, तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।